सामने फ्रंट है मंदिर का, और जिस साथ में जो तालाब है, अभी तो पानी कम है, नहीं तो पानी ज्यादा होता है यहाँ पे भी। ये सामने मंदिर का द्वार, बहुत ही प्यारी लोकेशन में है ये मंदिर। देख ही सकते हो जो आप, सामने हवन हो रहे हैं। Thank you.
बात करते हैं जी, थोड़ा बहुत इतिहास देखते हैं मंदिर का क्या है जी। हाँ जी गुरु जी, ये बहुत समय पुराना है, जब पांडव आए थे ना यहाँ पे, अच्छा जी, तब का ये मंदिर बना हुआ है। अच्छा जी, उन्होंने जगह जगह पे मतलब स्थापना की थी। हाँ जी, तब यहाँ पे भी वो रुके थे एक टाइम जी, जैसे कि यहाँ पे ये बनोड़े महादेव हो गया। हाँ जी, तो ये उनकी स्थापना की हुई है। अच्छा जी, एक तो अर्धनारीश्वर है। हाँ जी, ये जो आपने देखा होगा अभी। हाँ जी, तो एक साइड में शिवलिंग है जो शिव जी का प्रत्यक्ष रूप है। ऐसे ही हमारे आगे जाकर के यहाँ पे ब्रह्मोती है एक जगह। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो भी पांडवों का ही स्थान है, वो नदौन के पास पड़ती है ना। नहीं, नहीं। हाँ जी, ये हमारे मैथपुर से अंदर को जाकर के ना। अच्छा, जो पानी के गंगा चलती क्या है वो। जी जी, वो वहाँ पे बोलते हैं कि गंगा की एक पौड़ी है। अच्छा जी, हरिद्वार बोलते हैं, छोटा हरिद्वार बोलते हैं। यहाँ से कितनी दूर है वो? यहाँ से कोई लगभग 10-12 किलोमीटर बस। इतना ही है, कुछ ज्यादा नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है। क्यों, मैंने नेट पे सर्च मारा था ना, तो मेरे को नदौन साइड बता रहे थे वो मंदिर। नहीं नहीं, वो ऊना से मैंने देखा था। नदौन में भी है ब्रह्मोती। हाँ, वो ये नहीं है मतलब। अच्छा, यहाँ पे जो पांडवों का स्थान है वो ये है। अच्छा अच्छा जी, तो इनका जैसे बनोड़े महादेव नाम कैसे पड़ा, ये मैं समझ नहीं रहा, बनोड़े में इसके बारे में कुछ। इसके बारे में तो अभी प्रॉपर कुछ नहीं पता है, क्योंकि और यहाँ के जो लोकल बंदे हैं उनको पता होगा। अच्छा, उनको पता। चलो धन्यवाद, आपके साथ बात करके अच्छा लगा। ठीक, काफी बड़ा मंदिर है वैसे तो। ये क्या हॉल देख के पता लग रहा है, मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। एक यूट्यूबर है, उनकी वीडियो देखी थी इस मंदिर के बारे में, तो उन्होंने बताया इस वीडियो में। जय बजरंग बली, देख ही सकते हो, काफी प्यारी लोकेशन पे है ये मंदिर वैसे। और ये हमारी फैमिली सारी। जय भोलेनाथ, जय हो, जय हो। ये हमारी फैमिली। अच्छा, फैमिली भी तो सुनी है वीडियो से, तो फिर उन्होंने की पता लगे कौन आगा ना लाल तोरी पे। फिर कल तक पोस्ट होती हुई मिल जाएगी। तो कितना सुंदर व्यू आ रहा है, भोले शंकर की प्रतिमा देखिए आप। हाँ, और इसके बाद आपको मैं ड्रोन शॉट दिखाऊंगा इधर का, कभी अपनी फैमिली को लेके आइए यहाँ पे भी, मंदिर के दर्शन कीजिए। सौरभ जोशी भी आया था पिछले महीने यहाँ, घूमा फिरा, मस्ती की उसने। और इसके बाद मैं आपको ड्रोन शॉट दिखाऊंगा इधर का। चलो जी, काफी बड़ा ब्रिज है ये भी। जहाँ का जो माहौल है ना, बहुत ही शांत है। यहाँ पे लंगर पकता है रोज, लंगर हाल। ये पूरे मंदिर की फोटो है जी, ऐसा बना हुआ है ये मंदिर।